हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नोिंद्र यूट्यूब चैनल में और आज मैं जो आपको क्लास आपकी लेके आई हूँ वो क्लास रहेगी आपकी बी एड सेकेंड ईयर की इससे पहले भी बी एड सेकेंड ईयर की मैं दो क्लास ले चुकी हूँ और टॉपिक हमारा रहेगा बहुभाषिकता और बुक का नाम भी बता देती हूँ तो पाठ्यक्रम के तहत भाषा यह आपकी बुक है और इसका जो टॉपिक है वो है बहुभाषिकता बहुभाषिकता का अर्थ ये होता है देखो वैसे तो मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन सिंपल भाषा में बता देती हूँ वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा वो आप लिख लेना सिंपल अगर भाषा में बात करें तो बहुभाषिकता का अर्थ होता है यानी कि जो व्यक्ति बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता हो एक ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं के बारे में जानता हो बोल सकता हो समझ सकता हो लिख सकता हो यानी कि जो एक से अधिक भाषाएं बोल सकता हो उस व्यक्ति को हम बहुभाषी कहते हैं बहुभाषिकता का अर्थ यानी कि बहुत सारी भाषाएं तो आगे आपका भूभाषिकता का प्रत्येक बालक में भाषा को प्राप्त करने की शक्ति जन्म से ही होती है सही बात है देखो बच्चे को हम भाषा सिखाते हैं स्टार्टिंग में माँ जो है ना मदर लैंग्वेज बच्चा सीखता है लेकिन उसको हम नहीं भी सिखाएंगे तो भी वो बोलना तो सीखता ही है ना तो जन्म से ही उसके अंदर शक्ति होती है चौमसके के अनुसार बालक में एक आंतरिक शक्ति होती है जिसे उन्होंने सिद्धांत और मानक कहा है सबसे पहले बच्चा मातृभाषा सीखता है जिसे प्रथम भाषा भी कहते हैं इसी के आधार पर बच्चा एक और भाषा सीखता है जिसे द्वी भाषा कहते हैं सी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भाषा किसे कहते हैं तो मातृभाषा जो होती है वो आपकी प्रथम भाषा होती है और ये भी पूछा जाता कि है कि द्वितीय भाषा या फिर दूसरी भाषा बच्चा किस आधार पर सीखता है तो मदर लैंग्वेज के आधार पर जो है ना बच्चा द्वितीय भाषा सीखता है ये आपका द्वीभा जो है ये संस्कृत का वर्ड है इसकी जगह द्वितीय भाषा भी लिखा मिलता है आपको तो मदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सी में कि मातृभाषा या कि मदर लैंग्वेज के बाद जो है ना बच्चा मदर टंग के बाद कौन सी भाषा सीखता है यानी कि जो भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं तो उसे द्विभाषी या फिर द्वितीय भाषा कहते हैं या फिर दूसरी भाषा कहते हैं इसी प्रकार एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित होने पर दो या दो से ज़्यादा भाषा भी सीखनी पड़ती इस प्रकार एक व्यक्ति अधिक भाषाओं का प्रयोग करना सीख लेता देखो कुछ बच्चे जो है न आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं भाषाओं को जो है ना बोल सकते हैं जैसे कुछ आपने देखा होगा हिंदी इंग्लिश संस्कृत तमिल कोई भी भाषा मतलब कई भाषा भाषाओं का ज्ञान रखते हैं लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल होना चाहते हैं तो फिर तो मजबूरी हो जाती है कि हमें एक से ज़्यादा भाषा आती अब जैसे कोई राजस्थानी बच्चा है वो हरियाणा में आकर सेटल हो गया तो उसे हरियाणवी बोली आनी चाहिए नहीं आएगी तो फिर वो व्यक्ति उसे जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा उनके साथ क्योंकि वो उसको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो उसकी मजबूरी हो जाती है फिर दूसरी भाषा सीखना या फिर तीसरी भाषा सीखना जैसे कि आप इंडिया से अ, अमेरिका जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश का ज्ञान रखना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप अमेरिका में वहाँ जो जो वहाँ के जो इंसान है वो बोलेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते ना उनके विचार समझ सकते हो तो ज़रूरी हो जाती है फिर हमें हमारे लिए दूसरी भाषा सीखना भारत एक बहुभाषी देश है यहाँ पर बाईस भाषाओं को मान्यता प्राप्त है देखो भाषाएं तो हमारे देश में बहुत सारी हैं अनगिनत है लेकिन मान्यता प्राप्त सिर्फ 22 भाषाओं को है और जिनको मान्यता प्राप्त है उन्हें ही हम सिर्फ भाषा कह सकते हैं इसके अलावा जितनी भाषाएं हैं, वो भाषाएं है नहीं हैं बल्कि वो बोली हैं और सी में ये क्वेश्चन डाला जाता है कि मान्यता प्राप्त जो भाषाएं उनसे अलग जो भाषा उनको क्या कहते हैं तो बोली होती हैं भाषाएं सिर्फ बाईस है वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मान्यता प्राप्त बाईस को है तो उन्हें ही हम भाषा कहेंगे बाकी जितनी हमारी भाषाएं बच गई वो बोली होती है भाषा नहीं होती और उप बोलियाँ जो बोली से भी नीचे होती है जैसे बिल्कुल छोटा या सीमित जो का क्षेत्र होता है ना जैसे हरियाणवी है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणवी भाषा नहीं है बल्कि हरियाणवी एक बोली है लेकिन हरियाणा हरियाणा में कोई गाँव है छोटा सा और वहाँ पर जैसे कुछ अलग भाषाएं बोली जा रही है तो यानी कि वो उप बोली है जो कि बोली से भी नीचे का दर्जा रखती है जबकि स्कूलों में सैंतालीस भाषाएं अध्यापन के लिए प्रयोग में लाई जाती है यानी कि बाईस से जितनी भी ज्यादा है वो लिखने में तो भाषाएं लिख देती है लेकिन वो बोलियाँ होती हैं आगे बहुभाषा भाषिता की प्रकृति में विशेषताएं बहुभाषिकता एक प्राकृतिक शक्ति है अभी मैंने बताया था कि ये प्राकृतिक शक्ति है जो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में होती है अनेक भाषाएं सीखने से बच्चे की बुद्धि तिर होती है सही बात है जिसको जो व्यक्ति ज़्यादा लैंग्वेज समझता है या फिर बोलता है आपको पता है उसका ज्ञान ज़्यादा होता है क्योंकि जिस अब जैसे मेरे को सिर्फ हिंदी आती है अब मेरे सामने कोई इंग्लिश बोलने वाला आएगा तो मैं उसकी समझ ही नहीं पाऊँगी वो क्या कह रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा ज्ञान कम रह जाता है लेकिन जो एक से ज़्यादा भाषाएँ बोलते हैं उनका जो है ना बुद्धि विकास उनका ज्ञान जो है ज़्यादा होता है भाषा को चिंतन ए, क्या कहाँ पर आ गई थी सीखने से बच्चों की बुद्धि तिर होती थी तब ये समझ पाते हैं कि भाषा किस प्रकार कार्य करती है भाषा को चिंतन में समस्या समाधान के लिए बहुवैसी व्यक्ति तेजी से प्रयोग करते हैं यानी कि आपको ए, कोई समस्या आ रही है कोई दिक्कत आ रही है तो जो बहुवैसी व्यक्ति होते हैं ना वो उस समस्या को जल्दी उसका निवारण कर देते हैं ए, अभी जो इसकी विशेषताएं पर करती हूँ तो मैं बता बता चुकी हूँ अब है ये इसकी विशेषता है नंबर एक बहुभाषिकता संस्कृति के उदारीकरण फैलाव व वैश्वीकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक है वैश्वीकरण का अर्थ आपका इंग्लिश में होता है ग्लोबलाइजेशन और हिंदी में इसको वैश्वीकरण बोलते हैं तो बहुभाषिकता से जो है ना ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है क्योंकि देखो जैसे अमेरिका से कोई कंपनी यहाँ पर आई है तो वो जो कंपनी इसने लगाई वो इंग्लिश बोलेगा अगर हमें इंग्लिश भी आती है तभी तो हम उस कंपनी को यहाँ पर जो है ना कोऑपरेट कर पाएंगे अब हम अमेरिका में जा रहे हैं उनकी क्या संस्कृति है क्या वहाँ पर है कैसे लैपटॉप है तो हम हमें इंग्लिश आती होगी तभी तो हम कर पाएंगे ना तो बहुभाषिकता से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है सही बात है उदारीकरण होता है इससे क्योंकि नंबर दो है इससे सूचना व अन्य तथ्यों को एक या दूसरी भाषा में उपलब्ध किया जा सकता है अब जिसको एक भाषा दो भाषाएँ आती है जैसे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आते है तो आप हिंदी को ट्रांसलेट बहुत जल्दी कर लेते हो नंबर तीन हम बहुभाषी भाषा में अधिक निपुणता प्राप्त करते हैं तो ये भी सही बात है अब जिसको एक से अधिक भाषाओं का जो ज्ञान रखता है तो वो भाषा में अधिक निपुणता तो प्राप्त करेगा ही नंबर चार अधिक व्यक्तियों की मातृभाषा को समझते हैं इससे इनका सामाजिक कक्षित्र भी बढ़ता है जैसे अब एक व्यक्ति हरियाणवी भी, भी जानता है हिंदी इंग्लिश संस्कृत तमिल भाषा भी जानता है तो जैसे हरियाणवी वैसे भाषा नहीं है बोली है तो कोई जैसे राजस्थानी व्यक्ति वो हमारी हरियाणवी को भी समझता है तो उससे क्या होता है ना जो व्यक्ति है वो यानी कि हमारी जो मातृभाषा है जो मदर टंग है जो राजस्थान से व्यक्ति है वो उसे जल्दी से समझता है तो सही बात है वो जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है वो हर चीज़ को जल्दी से पकड़ता है नंबर पाँच है एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा सीखने को प्रभावित करता है बिल्कुल सही है जिसको एक भाषा आती है तो उसी से तो फिर हम दूसरी जैसे पहले हमने हिंदी सीखी फिर हम इंग्लिश सीखते हैं या फिर हम संस्कृत भी सीख सकते हैं द्वितीय भाषा के रूप में तो जिसको दो भाषा आ जाती है उसको तीसरी भाषा और भी जल्दी आएगी फिर नंबर छः बहुभाषी व्यक्ति के लिए रोज़गार की संभावनाएं बढ़ जाती है बिल्कुल सही है अब जैसे कोई है कोई राजस्थानी व्यक्ति है जैसे अब वो पंजाब जॉब करने जा रहा है लेकिन उसको पंजाबी नहीं आती तो वहाँ पर उसको जॉब मिले मिलने में बहुत कठिनाई होगी लेकिन अगर वो पंजाबी जानता है यानी कि वो बहुत सारी भाषा जानता है तमिल भी जानता है तो वो कहीं पर भी जाकर इंटरव्यू दे सकता है तो उसकी रोजगार की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है नंबर सात है व्यक्ति स्वयं की संस्कृति की तुलना में समानता दूसरी की संस्कृति से करता है इसे स्वयं की संस्कृति के श्रेष्ठ पक्ष को जानकर उसका सम्मान करने लगते हैं जैसे हम राजस्थान से कोई बच्चा गया अभी मैंने बताया तो पंजाब गया पंजाब की संस्कृति क्या उनका धर्म क्या है अगर हम पंजाबी भाषा बोल पाएंगे तभी तो उनके बारे में सब कुछ समझ पाएंगे ना तो एक से ज़्यादा जो बहुभाषी व्यक्ति होता है वो दूसरे के धर्मों के बारे में समझकर जो है उनकी भी इज्जत करता है और उनका सम्मान करता है क्योंकि वो समझता है उन चीज़ों को नंबर आठ है बहुभाषी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की बातचीत से अच्छे से संतुष्ट कर पाते हैं सही बात है जो एक से अधिक व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को जो है ना बातचीत से अच्छे से संतुष्ट कर पाएंगे अब जैसे मैं, मुझे मुझे इंग्लिश आती है लेकिन हिंदी नहीं आती अब हिंदी जो बोल रहा है मैं उसे कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी अपनी बातों से लेकिन अगर मुझे उसकी भी भाषा आती है तो मैं जल्दी से उनको जो है ना समझ पाऊंगी नौ नंबर पे है बहुभाषिकता से व्यक्तित्व का विकास व ज्ञान की प्राप्ति के अवसर बढ़ जाते हैं बिल्कुल सही है व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है उसकी ना थोड़ी सी इज्जत भी ज़्यादा करते हैं लोग उससे कुछ उनको बोलने में कोई दिक्कत होगी कोई भाषा की कोई वर्ड समझ नहीं आएगा तो उससे उससे ही पूछने जाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के अवसर तो बढ़ते ही हैं आगे है बहुभाषिकता के लाभ नंबर एक है विभिन्न रोजगार के अवसर बहुभाषिकता से रोजगार के बहुत अवसर प्राप्त होते हैं अभी मैंने करवाया था जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती है तो वो कहीं पर भी जाकर इंटरव्यू दे सकता है किसी भी स्टेट में किसी भी देश में तो रोज़गार के अवसर उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं नंबर दो विदेश जाने के अवसर <coughs> बहुभाषी व्यक्ति के विदेश जाने के अवसर बढ़ जाते हैं और व्यक्ति वहाँ पर अपने आप को अलग महसूस नहीं करता देखो अगर आप हिंदुस्तानी व्यक्ति और आप अमेरिका जा रहे हो तो आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो वहाँ पर आप जो है ना वहाँ आप पर आपके दोस्त फ्रेंड्स बहुत सारे आपके दोस्त बन जाएंगे आप उनसे आपको अलग नहीं समझोगे लेकिन अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन आपको अमेरिका जाना पड़ रहा है और आप मजबूरी में आपको रहना पड़ रहा है तो आपको उनकी भाषा समझ नहीं आएगी उनको आपकी नहीं आएगी तो ना आप अपने आप को फिर अलग महसूस करने लगते हो लेकिन अगर आपको उनकी भाषा आती है तो फिर आप अलग महसूस नहीं करोगे नंबर तीन है कार्य को करने में लचीलापन बहुभाषी बालकों में स्वयंत्मक लचीलेपन तथा किसी कार्य को बेहतर रूप से करने का कौशल विकसित होता है देखो जो एक से अधिक लैंग्वेज जाने वाले लैंग्वेज जानने वाले बच्चे या फिर व्यक्ति होते हैं तो लचीलापन तो होता ही है क्योंकि उनको हर चीज के बारे में पता है एक से ज्यादा लैंग्वेज जानने वाले को जो है ना कई लैंग्वेजों का ज्ञान होता है तो कार्य को बेहतर रूप से करने का कौशल विकसित होता है अब एक से अधिक लैंग्वेज जानता है तो अपने काम को भी वो अच्छे से कर पाता है क्योंकि उसको किसी भी दूसरी भाषा में कोई भी शब्द है उसको किसी और से ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं होती नंबर चार है विभिन्न संस्कृतियों का विकास विभिन्न लोगों और विभिन्न संस्कृतियों को समझने और जानने का मौका मिलता है एक से अधिक भाषा जानने वाले व्यक्ति को जो है ना दूसरों की संस्कृति जो है ना जैसे आप तमिलनाडु गए हैं वहाँ पर तमिल भाषा बोली जा रही है तो अगर आप उनकी लैंग्वेज को समझ रहे तो आपको उनकी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा समझने का मौका मिलेगा अब उनकी भाषा को ही नहीं समझोगे तो फिर संस्कृति को कैसे जानोगे नंबर पाँच है आपसी संबंधों का विकास ऐसा व्यक्ति दो समूहों के बीच भावात्मक और संवेगात्मक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है भावात्मक यानी कि जो चीज़ें हमारे भाव से जुड़ी होती हैं संवयंग यानी कि जो हमारे अंदर विचार क्या क्या है ऐसा व्यक्ति यानी कि दो समूह के बीच अब देखो जो एक से अधिक लैंग्वेज बोलता है तो वहाँ जैसे कई अलग अलग क्षेत्र से व्यक्ति रहते हैं कोई राजस्थान से कोई एम से कोई कहीं से है लेकिन एक व्यक्ति उन सब की भाषाओं को जानता है तो ट्रांसलेट करके उन सबको समझा सकता है नंबर छः दूसरी भाषाओं का विकास दूसरी भाषाओं को सीखने में आसानी होती है देखो एक से दूसरी भाषा दूसरी से तीसरी ऐसे है ना जिस जिसको कई लैंग्वेज आती है ना उसको बहुत सारी लैंग्वेज आती होंगी आपने देखा भी होगा ऐसे व्यक्तियों को आगे भारतीय समाज में बहुभाषिकता राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ दो हजार पांच के अनुसार बहुभाषिकता से बच्चों की पहचान बनती है बहुभाषिकता को कक्षा में संसाधन कक्षा नीति व उद्देश्य के रूप में प्रयोग करना चाहिए भाषा के आधार पर किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल देखो भाषा के आधार पर भेदभाव से यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि जैसे अब आप, आप हिंदी पढ़ा रहे और कोई बच्चा हिंदी नहीं जानता वो संस्कृत जानता है तो आप उसकी उपेक्षा नहीं करोगे ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पर तो सब बच्चों को हिंदी आती है और आपको संस्कृत आती है ये आप उसको नहीं बोल सकते बल्कि आपको एडजस्टमेंट करनी होगी उसके साथ भाषा के आधार पर धर्म के आधार पर किसी भी उसका प्रीवियस क्या है उसके आधार पर आपको किसी भी बच्चे से आप क्लास में भेदभाव नहीं कर सकते ये कहता हमारा एनसीएफ एनशेप दो के अनुसार कक्षा के मुद्दे समस्याओं पर विचार रखे कि बहुभाषिकता को संभावना व संसाधन के रूप में स्वीकार करके कक्षा विभिन्नता को दूर करना यानी कि जैसे एक क्लास में अलग अलग लैंग्वेज जैसे मदर टंग तो आपने देखा होगा अलग अलग ही होती है बच्चों की तो उस टीचर को उस देखना होता है कि वो किस तरह से ये नहीं कि आपकी मदर टंग ये है आप आप जो है ना उस जाति से आते हैं उस धर्म से आते आप उस लैंग वो लैंग्वेज बोलते हैं ये आप नहीं बोल सकते इससे बच्चा फिर पिछड़ जाता है मुद्दे क्या हैं समस्या है, क्या हैं मल्टी जो मल्टीपल लैंग्वेज है उसको सिखाने में कक्षा में क्या समस्याएँ हैं इन चीज़ों को ना टीचर को दूर करना चाहिए संसाधन के रूप में स्वीकार करके कक्षा विभिन्नता भी को दूर करना यानी कि एक से अधिक अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो बच्चे हैं तो उनको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए ये नहीं कि भाई मैं तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ाऊँगा और बाकी बच्चों को जो है ना नज़रअंदाज किया जाएगा और देखो वीडियो को ना शेयर किया करो लाइक किया करो और कमेंट जरूर किया करो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो कमेंट करने से ना देखो हमें कुछ नहीं मिलता लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है एक कमेंट करके जरूर जाया करो आगे आपका दो हजार छः में बहुभाषावाद को ग्रास रूट लेवल के साथ व्यक्ति की मातृभाषा के साथ शुरू करने को कहा गया उन्नीस में भारत में सोलह बावन भारतीय भाषाएं बोली जाती थी सॉरी भाषाएं नहीं ये बोलियां हैं 2001 में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई थी मान्यता प्राप्त हुई थी कितनी भाषाओं को 22 भाषाओं को पहले भी बताया था 2001 में आठवीं अनुसूची में ये सीटेंट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बाकी जितनी है जैसे ये सोलह भारतीय भाषाएं तो भाषाएं तो आपकी बाईस हैं लेकिन जितनी भी ये बच गई ये आपकी बोलियां हैं सॉरी भाई ये ग्रास रूट जो लेवल है इसके बारे में बताना आपको भूल गई थी मैं अभी याद आया मुझे ग्रास रूट लेवल ले। ले होता है आपका यानी कि जमीनी स्तर पर जैसे ये लिखा ना है ना यहाँ पर कि 2006 में बहुभाषावाद को ग्रास रूट लेवल के साथ व्यक्ति की मातृभाषा के साथ शुरू करने को कहा गया यानी कि बहुभाषावाद को यानी कि जो बहुत सारी भाषाएं हैं बहुभाषावाद को ग्रास रूट लेवल यानी कि जमीनी स्तर के जमीनी स्तर के लेवल पर व्यक्ति की मातृभाषा के साथ शुरू करने को कहा गया था यानी कि जो बच्चे जब मदर टंग जब बच्चा घर से सीख कर स्कूल में जाता है तो उसके साथ साथ मातृ स्टार्टिंग जो शिक्षण होता है बच्चे का वो मातृभाषा में होता है तो मातृभाषा के साथ ही जो है ना बहुभाषावाद को भी स्टार्ट कर देना चाहिए 2006 में ये कहा गया था ज़मीनी स्तर पर यानी कि साथ साथ जो है स्टार्टिंग से ही बच्चे को जो है ना मल्टी लैंग्वेज सिखानी चाहिए इसका अर्थ ये है